वन वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आप लोग JBT जो आपकी भर्ती आई हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, उसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। पहले जो डेट बदली बोली गई थी उससे फिर बढ़ा करके 8 कर दिया गया था, और 8 के बाद फिर 29 किया गया था, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया था कि कब होगा एग्ज़ाम। तो अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो चंडीगढ़ PRT के जो एग्ज़ाम डेट थे, सॉरी, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की जो डेट थी वो स्टार्ट हो चुके हैं, और आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म एप्लीकेशन की जो डेट जो स्टार्ट हो रही है वो आप लोग देख सकते हैं, 10 से यानी आज कल से ही स्टार्ट हो गए हैं, और 31 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 4/9 रहने वाली है, और फ़ी कन्फर्मेशन जो लिस्ट है वो 14 को लग जाएगी, यानी 14 को जिनका भाई रजिस्टर्ड अच्छे से हुआ होगा उन लोगों की पता लग जाएगी, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स, इसमें आप लोग जो अभी आज जो BEd और BSTC का, यानी BEd और JBT वालों का जो केस चल रहा था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसका क्या रहा है। जो BST वाले जो कैंडिडेट थे वो जीत गए हैं, और BEd वाले कैंडिडेट हार गए हैं। इसका मीन्स ये है कि जो PRT की जो भी भर्तियाँ होती थी, ठीक है, उसमें से BEd को बाहर कर दिया गया है। अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन ऐसा ही सुनने में आ रहा है हर जगह पे कि BEd को प्राइमरी जो भर्ती होती थी प्राथमिक शिक्षक की, उससे बाहर कर दिया गया है। तो अब जो सिर्फ BSTC वाले हैं वही इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं PRT के लिए, ठीक है। तो जो ये चंडीगढ़ PRT का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है BEd BSTC का। पहले तो क्या था कि जो चंडीगढ़ PRT का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर BEd एलिजिबल थी, लेकिन अभी जो फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं उसके अंदर BEd का ऑप्शन आ रहा है, BEd वाले एलिजिबल हैं। अभी से कोई ऑफिशियल अपडेट चंडीगढ़ PRT एजुकेशन की तरफ से, जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से नहीं दी गई है कि भाई वो BEd को रखते हैं या बाहर करते हैं। तो इस पर कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, एक दो दिन का वेट करिए, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा भाई BEd वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बाकी जो भी JBT वाले हैं, DLED वाले हैं, वो अपना फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और एक दो दिन में जैसे ही पता लगता है कि भाई BEd वाले भी एलिजिबल रखते हैं या नहीं रखते हैं, अभी तक तो एलिजिबल है, ठीक है BEd वाले, आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फॉर्म तो डाल ही दीजिए आप लोग। तो उसका जो भी मतलब अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को चैनल पर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, साथ में एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ PRT के लिए मैंने आप लोगों को चैनल के ऊपर, जब आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है, जो भी आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, की किस तरह का सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, कुछ प्रीवियस ईयर भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको सिलेबस को रीड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। साथ ही मैंने एक बुक लिस्ट की सूची भी बनाई हुई है कि आपको कौन कौन सी बुक है वो इसके लिए रेफ़र करनी है, तो आप लोग उस लिस्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका, और हिंदी इंग्लिश, अगर इनके आप लोग अगर नोट्स बाई करना चाहते हैं साथ में इंक्लूडिंग ICT, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उनकी डिटेल ले सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, तो उनको बाई भी कर सकते हैं। बाकी जो मटेरियल है वो मैं वीडियोस में प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइएगा, और BEd वाले बिल्कुल भी निराश मत होइएगा कि भाई हमें बाहर कर दिया गया है, क्योंकि BEd के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज और भी होती हैं, TJT में, PJT में, आप लोग इनमें भी एलिजिबल होते हो, तो आप लोग इनके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और रही बात चंडीगढ़ PRT की, तो अभी ऐसा कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं आया है भाई चंडीगढ़ PRT से BEd को बाहर किया गया है या नहीं, तो वो तो डिसीजन आने के बाद ही पता लगेगा भाई चंडीगढ़ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है। अगर आप लोग चंडीगढ़ PRT की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं BEd वाले, तो भी आप लोगों की वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जो चंडीगढ़ TJT की जो भर्ती है वो भी बस आने ही वाली है, इस मंथ के एंड तक शायद आ जाए या फिर सितंबर के फर्स्ट तक आ जाएगी। तो आप लोग वहाँ पर जो कॉमन जो पोर्शन होगा वो तो क्या होगा, जो पेपर वन जो होता है वो तो क्या होता है, कॉमन ही होता है, उसमें भी वही सब्जेक्ट है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह उसमें भी आपका ये का ही रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ में वैसे आपको जो सब्जेक्ट है वही तो अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी ही दूसरी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, चैनल पर कनेक्टेड रहिए।